गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट व्हीकल की। इससे पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर चुके हैं एक अलग वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं प्राइवेट व्हीकल्स की, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना जाकर प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं, अपने खुद के व्हीकल से जा रहे हैं, तो क्या गाइडलाइंस रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू विद ऑक्युपेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू 2/3 कैपेसिटी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 2/3 कैपेसिटी के साथ चलेंगी, जो SOP स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू द स्टेट बाय बस, एयर, रेलवेज एंड प्राइवेट व्हीकल एंड टैक्सी। तो अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल और टैक्सी से भी आ रहे हैं तो आपको एक तो स्मार्ट सिटी ई पास वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, smartcitydehradun.uk.gov.in पर, ठीक है। तो बाहरी राज्यों से आप आ रहे हैं तो आपके साथ कोई भी हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, हेल्पर हो, हर एक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिएगी, तभी आपको राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं उत्तराखंड में, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो वो गाइडलाइंस आपकी एज इट इज़ फॉलो होंगी। अगर आप उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, सॉरी, तो कहीं पे RT-PCR रिक्वायर्ड है और कहीं पे नहीं रिक्वायर्ड है। तो अगर आप गढ़वाल से कुमाऊँ जा रहे हैं तो RT-PCR रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ई पास बनवाना है। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको ई पास भी बनवाना है और आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी देनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप अस्थि विसर्जन के लिए भी आ रहे हैं तो आपकी निजी वाहन की क्षमता 50% की शर्त का अनुपालन आपको करना है और मात्र 4 व्यक्तियों को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ आना होगा। लेकिन उन लोगों को भी अपना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट करवा के आना होगा, साथ में ई पास भी बनवाना होगा। तो ये है आपके गाइडलाइंस। अब मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली भी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप आते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से तो कितनी जो है कितनी परसेंटेज है। ये देखिए लास्ट पॉइंट थी, कोविड व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध ID आपको रखनी है, अपना ई पास रखना है, RT-PCR रिपोर्ट रखनी है अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रही हैं, और 50% जो है क्षमता होनी चाहिए। जैसे 4-सीटर है तो आप दो ही लोग उसमें जा सकते हैं। इस गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। तो इसी तरीके की और वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाई है अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।